दोस्तों, हम सबके साथ स्कूल में एक दफ़ा ऐसा हुआ ही होगा कि हमारा गेम्स आवर होता है, गेम्स पीरियड होता है, और उसी पीरियड मैथ्स टीचर आ जाती है क्लास में और कहती है कि ये पीरियड मैं लूँगी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है एग्ज़ाम के लिए। सबके साथ हुआ है। मान लीजिए कि इस बार क्लास बहुत ही नाराज़ हो जाती है, हल्ला गुल्ला करने लगती है, शोर मचाने लगती है, तो मैथ्स टीचर इन सब से बचने के लिए क्या करती है कि चुन चुन कर उन तीन बच्चों को उठाती है जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और फिर उनसे पूछती है कि बताओ गेम्स खेलना है या मैथ्स पढ़ना है। अब दोस्तों आप बताइए कितना जस्ट है इन तीन बच्चों से पूछना कि क्लास को क्या करना है, कितना फेयर है ये सेलेक्टिव बायस ग्रुपिंग। दोस्तों हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ हुआ 12 जनवरी को, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा पारित 3 फार्म लॉज पे स्टे लगाते हुए सरकार को डांटा और एक 4 मेंबर कमेटी का गठन किया। इस 4 मेंबर की कमेटी में 3 मेंबर्स ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट फार्म बिल्स के लिए पब्लिक में दिखा दिया था और एक मेंबर जो थे भूपिंदर सिंह मन साहब, जो कि ज़रा सा न्यूट्रल साइड में थे, उन्होंने 14 जनवरी को इस कमेटी से रिज़ाइन कर दिया। तो आज इस कमेटी पे सवाल उठ रहे हैं कि ये कमेटी बायस्ड है, ये कमेटी इंक्लाइंड है सरकार के तरफ, फार्म बिल्स के तरफ, और ये एक जस्ट कमेटी, एक फेयर कमेटी नहीं है। और आज इस वीडियो में हम इसी कमेटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये फार्म बिल्स वाला पूरा इशू क्या है तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, हमने डिटेल में समझाया है कि ये फार्म बिल्स क्या है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। पहले ज़रा सी बात कर ली जाए कि ये कमेटी बनाई किस लिए गई है और कौन कौन है इसमें। जैसा कि आप सब जानते हैं, 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पारित 3 फार्म लॉज पे स्टे लगा दिया, यानी उनके इम्प्लीमेंटेशन को फ्रीज कर दिया और एक कमेटी, 4 मेंबर कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का काम है सरकार से और फार्मर किसान ऑर्गेनाइजेशन से बात करना और एक बीच का रास्ता निकालना। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सारी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, सारी किसान संस्थाएं, चाहे वो प्रोटेस्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो, मैंडेटरी रूप से इस कमेटी के बातचीत का हिस्सेदार बनेगी। 4 लोगों की कमेटी बनाई गई थी लेकिन सिर्फ 3 लोग बच गए हैं इसमें। इसमें है प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घेवाट साहब। प्रमोद कुमार जोशी एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी एक्सपर्ट और फॉर्मर डायरेक्टर हैं साउथ एशियन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। अनिल घेवाट साहब प्रेसिडेंट है शेटकारी संगठन के, एक महाराष्ट्र बेस्ड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडर थे प्रमोद जोशी साहब। अशोक गुलाटी साहब जो हैं वे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर फॉर एग्रीकल्चर हैं। जनाब, ये मीम्स आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं और आपने भी शायद इन मीम्स को देखा होगा। ये मीम्स उसी कमेटी पर बन रहे हैं जिस कमेटी की आज हम बात कर रहे हैं। ये जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर बायस्ड होने के सवाल उठ रहे हैं, इस पर एक तरफ इंक्लाइन होने के सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल उठने जायज़ भी हैं क्योंकि इस कमेटी के 4 में से 3 मेंबर, जो कि अभी 3 ही रह गए हैं, तीनों मेंबरों ने अपना सपोर्ट दिखाया है इन लॉज के प्रति पास्ट में और पब्लिकली कहा है कि वो सरकार को कमेंट करते हैं इन लॉज के लिए। अशोक गुलाटी साहब इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में लिखते हैं, एंड आई कोट, द मोदी गवर्नमेंट डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स फॉर फाइनली इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन इंडियाज एग्री मार्केटिंग सिस्टम। और ये साहब इन 3 कानूनों को 1991 के लिबरलाइजेशन या उदारीकरण से भी कंपेयर करते हैं। अनिल घेवाट साहब ने इन लॉज के रिपीलमेंट के अगेंस्ट में कई बार बोला है। इनके हिसाब से ये जो लॉज है, ये जो 3 कानून है, ये रिफॉर्म्स जो हैं, ये इंडियन फार्मर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल रहे हैं। और अगर मैं उन्हीं को कोट करूं तो आई कोट, इफ़ अंडर प्रेशर फ्रॉम द फार्मर्स इन जस्ट 2 स्टेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द एक्शन
टू रिपील द एक्ट इट वुड मीन द एंड ऑफ द रोड फॉर द इनिशिएटिव। अच्छा अनिल घेवट साहब तो कम से कम इन लॉज के अमेंडमेंट के फॉर्म में थे, उनका मानना था कि इन लॉज में अमेंडमेंट आने चाहिए, लेकिन ये जो प्रमोद कुमार जोशी साहब हैं इनका मानना है कि इन लॉज को छुआ भी नहीं जाना चाहिए। मैं उन्हीं को कोट करूंगा एंड आई कोट, एनी डाइल्यूशन इन द फार्म लॉज विल कंस्ट्रेंट इंडियन एग्रीकल्चर इन हार्नेसिंग द इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। जोशी साहब ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ये जो तीन लॉज हैं ये बिना किसी कंसल्टेशंस के, बिना किसी फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के कंसल्टेशन के लाए गए हैं। जनाब अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुकी है कि ये जो तीन लॉज हैं ये बिना किसी कंसल्टेशन के लाए गए थे, और ये सब जानता है, पूरा भारत जानता है कि मास्टर स्ट्रोक जो होते हैं वे बिना किसी कंसल्टेशन के ही मारे जाते हैं। हमारे चौथे मेंबर थे बलविंदर सिंह मान साहब, जो न्यूट्रल स्टैंड रखते थे इन तीन बिल्स पे, लेकिन उन्होंने 14 तारीख को रिजाइन कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कमेटी अच्छी नहीं है या इन्फॉर्म नहीं है, बड़े ही जानकार लोग बैठे हैं, बड़े ही एजुकेटेड लोग बैठे हैं इस कमेटी में, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर और इन तीन लॉज को समझते हैं, लेकिन ये पूरी बात आ जाती है ओपिनियंस पे। यहाँ गलती जोशी साहब की या घवाट साहब की नहीं है, दे आर इंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। सबको अपना ओपिनियन रखने का हक होता है, और ओपिनियन भी इनके पास इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, ऐसी वैसी ओपिनियन भी नहीं है। यहाँ गलती हुई है हमारे सुप्रीम कोर्ट से। जब भी आप एक कमिटी बनाते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि वो कमिटी न्यूट्रल रहे। अगर आप उस कमिटी में दो मेंबर ऐसे डाल रहे हैं जो इन लॉज के फेवर में हैं, तो आपको दो मेंबर ऐसे डालने चाहिए जो इन लॉज के अगेंस्ट हैं, और एक मेंबर ऐसा डालना चाहिए जो न्यूट्रल स्टैंड का हो। ये करने से कमिटी में एक सेंट्रिज्म आता है, एक फेयरनेस आती है, और ये कमिटी को इनेबल करती है कि दोनों पक्षों को एक समान सुने और उन्हें अच्छे से समझे और परखे। ऐसी सेंट्रिस्ट कमिटी में, फेयर कमिटी में लेजिटिमेसी होती है। अभी जो कमिटी बनी है वो एक तरफ झुकी हुई है, सरकार के तरफ झुकी हुई है, इन फार्म लॉज के फॉर्म में झुकी हुई है, और मान साहब के रेजिग्नेशन के बाद ये और झुक गई है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी डाली गई हैं इस कमिटी के अगेंस्ट, और देखने वाली बात ये है कि अब मान साहब के रेजिग्नेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट इस कमिटी का क्या करती है। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बुराई करने या सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कहने नहीं बैठा। ये जो इंटरवेंशन था सुप्रीम कोर्ट का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी हिस्टोरिक था, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये बता दिया कि वो अगर ये सोचती है कि कोई भी लॉ कोई भी बिल पास कर देगी, उसके वजह से प्रोटेस्ट होंगे और वो कुछ नहीं करेगी और वो चुपचाप बैठी रहेगी, मज़े करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ये होने नहीं देगी। जब हमारे AG जो हैं अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह दी कि वो जल्दबाजी में कोई ऑर्डर ना पास कर दे, तो हमारे चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया एंड आई कोट, वी हैव गिवन यू अ वेरी लॉन्ग रोप, डोंट लेक्चर ऑन पेशेंस, वी विल डिसाइड वेन टू पास द ऑर्डर, वी माइट पास इट इन पार्ट टूडे एंड इन पार्ट टुमारो। हम चीफ जस्टिस ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसानों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने से नहीं रोकेंगे, और जब एक एडवोकेट ने ये क्लेम किया कि इन प्रोटेस्ट के वजह से रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं जो आर्टिकल 19(1) एक वायलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया एंड आई गेस द ओनली पार्टी बिफोर अस हु हैज ब्लॉक्ड द रोड इज यू। यू का मतलब यहाँ पे द गवर्नमेंट से है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर किसी ने अभी रोड ब्लॉक करके रखा है तो वो गवर्नमेंट ने करके रखा है, फार्मर्स ने नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूढ़ीवादी सोच भी दिखाई इस जजमेंट में, जब उन्होंने कहा कि महिलाओं को और बूढ़ों को इस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, और जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती कि कौन प्रोटेस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। अंत में हमें ये समझना ज़रूरी है कि द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलिबल, सुप्रीम कोर्ट इनफेलिबल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन मूल बात यहाँ पे ये है कि सरकार को ये समझना ज़रूरी है कि वो अपनी बर्बरता के बल पर अगर सोचती है कि देश चला लेगी तो ऐसे देश चलेगा नहीं, खासकर किसान नहीं चलेंगे। और अंत में मुझे लगता है दिनकर साहब की सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि कुछ पंक्तियाँ बहुत ही सटीक बैठेंगी यहाँ पे, कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहा, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, आज फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं।
फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को और हमारी अन्य वीडियो को लाइक वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और उस बेल आइकन को भी साथ में दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।